कोटा के अंदर फिर हुआ एक सुसाइड। यार ये जो इशू है ना, बहुत सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर डिस्कस करना भी उतना ही ज़रूरी मेरे को लगा। देखो एक बात तुम्हें सच बताता हूँ, जितने केसेस होते हैं उतने रजिस्टर्ड नहीं होते, उतने आप लोगों को पता भी नहीं चलते। केवल कोटा की बात नहीं है, ये एंटायर स्टडी जो हमारा एनवायरनमेंट है उसकी बात है। हकीकत है, बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, बच्चे नहीं हर कोई कर लेता आजकल, है ना, आपको पता ही है, इंडिया का आप रेट देख सकते हैं, ठीक है, सुसाइड रेट। लेकिन कोटा की बात करूँ मैं तो, हाँ वहाँ भी करते हैं, माँ बाप इसको लेके बहुत डरते हैं अपने बच्चों को, और कई इस चक्कर में भेज ही नहीं पाते कि यार हमारा बच्चा कहीं ये कदम ना उठा ले। तो आज उन माँ बाप को, उन बच्चों को, दोनों को मैं कुछ एड्रेस करने आया हूँ। दोनों तरीके सुने इस बात को, ठीक है जी, और समझते हैं। देखो मैंने ज़्यादातर केस में जो बच्चों का हाल देखा है, कौन से बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे होते हैं और कौन से नहीं कर रहे होते हैं। ये कहा जाता है यार कि कोटा के अंदर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बच्चे इसलिए सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। मैं मानता हूँ पढ़ाई का प्रेशर है, लेकिन बाहर भी मैं पढ़ा हूँ और मैं कोटा में भी पढ़ा हूँ, मैंने वहाँ एक चीज़ देखी कि वहाँ जितना प्रेशर है ना, उस हिसाब से चीज़ें भी डेवलप करी गई हैं। आप लोगों की सुनने के लिए, काउंसलिंग के लिए भी टीचर्स आपकी कोचिंग में बैठे होते हैं, हर कोई आपको सपोर्ट कर रहा होता है। वहाँ के लोगों की आदत ऐसी हो गई है ज़्यादातरों की कि वो आपको, आप अगर सपोर्ट मांगे तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा, हालांकि कुछ कॉस्ट होगी किसी ना किसी चीज़ की, फ्री कुछ नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन आपको चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं, सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। और आपके टीचर्स भी ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं कि अगर आप किसी भी टीचर पे जाके बात करते हैं, सर मैं परेशान हूँ, ये है वो है, हर कोई आपकी मदद करेगा, इवन बच्चे भी आपस में ऐसे ही होते हैं। तो यार वो वाली बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी फिर क्यों हमें सुसाइड वाले पॉइंट सुनने को मिलते हैं। देखो मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं देखो क्या होता है कि हम लोग इस टाइम टीनेज में, ज़्यादातर बच्चे टीनेज में होंगे जो कोटा के अंदर होते हैं, तो आप लोग इस चीज़ को समझें कि आप लोगों को अभी जो चीज़ें मिल रही हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा नई हैं, ठीक है, आपने पहले नहीं देखी। हो सकता है मम्मी पापा आपके साथ थे तो आपको उन चीज़ों का एक्सप्लोर ही नहीं उन लोगों ने करने दिया, आपको उधर जाने ही नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे वो नहीं है तो शायद आप लोग बढ़ें। कुछ बच्चे गलत आदतों की तरफ बढ़ सकते हैं, गलत आदतों से भैया मतलब क्या है, मे बी वो नशा हो सकता है ना, कोई ऐसी हैबिट हो सकती है जो आपकी पढ़ाई से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। देखो कुछ बच्चों के केस में ही देखने को मिलता है, बच्चे क्या करते हैं भाई, 2 साल रहे कुछ नहीं पढ़ा उनने 2 साल, क्यों, क्योंकि वो कुछ और ही कर रहे थे। अब आया रिजल्ट का टाइम, पेपर का टाइम, एंग्जाइटी है, सबको ही फील हो रही है एंग्जाइटी, तो जो पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है एंग्जाइटी सबको फील होती है, लेकिन इनको पता है इनका नहीं होने वाला, और बाई चांस नहीं हुआ तब ये बच्चे ऐसा कोई स्टेप उठा लेते हैं। देखो यार अगर हो ना हो, ये एक एग्जाम आपका फ्यूचर डिसाइड बिल्कुल नहीं कर रहा, ठीक है ना, हाँ इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है आपका फ्यूचर, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर इसमें नहीं हुआ तो जिंदगी में आप कहीं सफल नहीं होंगे। ऐसे कई लोग हैं जो नॉन आईटीआई हैं और लाइफ में बहुत अच्छा फोड़ रहे हैं, ठीक है, एम्स में नहीं है, नीट नहीं निकला, लेकिन लाइफ में बहुत अच्छा फोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल परेशान हो जाए मेरे भाई, ठीक है ना, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी नहीं है कि हम एग्जाम की तैयारी ना करें। और सुसाइड कोई भी ऑप्शन नहीं होता, हर बच्चा याद रखे ये कोई ऑप्शन नहीं है। आपको सबसे पहले अपने माँ बाप के बारे में सोचना चाहिए कि यार मतलब क्या, वो आप ही चले जाओगे तो उनके पास क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो समझो चीज़ों को। और हर एक बच्चा इस चीज़ को याद रखे कि ऐसी हरकत करने से पहले ज़्यादातर केसेस में दिखा गया है कि इंसान आधे घंटे के आसपास ही सोचा होता है और कर लेता है। तो अपने आप को काम करो, जब भी प्रॉब्लम हो अपने माँ बाप से बात करो, टीचर्स आपके लिए बैठे हैं टीचर्स से बात करो, काउंसलिंग में लोग आपके लिए बैठे हैं उनसे बात करो, दोस्तों से बात करो, यार दोस्त अच्छे बनाओ, दोस्ती होनी ज़रूरी है। आप जहाँ भी परेशान होगे वो लोग आपका साथ देंगे, आप उनका साथ दोगे, और दोस्ती होनी ज़रूरी है, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ अगर आप अपने मम्मी पापा को थोड़ा सा याद वाद कर रहे हैं तो ये होम सिकनेस वाली वीडियो इसे देखें, इसके अंदर मैंने कुछ सॉल्यूशन दिए और मुद्दे को डिस्कस करा है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।